हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के .NET 8 के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेक्वेरी एजेक्स मेथड को एक्शन मेथड कैसे कॉल करेंगे। बेसिकली जेक्वेरी एजेक्स मेथड से हम अपने कंट्रोलर के एक्शन मेथड को कैसे कॉल करेंगे। बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो होगा, इसी के हाउ टू यूज जेक्वेरी एजेक्स मेथड टू कॉल एन एक्शन मेथड इन एसपी .NET कोड। नाउ वी कैन स्टार्ट। बेसिकली हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं जेक्वेरी एजेक्स मेथड को एक्शन मेथड से हम कैसे हिट करेंगे, बेसिकली एक्शन मेथड को कैसे कॉल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो बात किया था वो किया था, बेसिकली हमने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था और उस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझा था। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं होम कंट्रोलर के ऊपर आते हैं और होम कंट्रोलर के ऊपर ये क्या करते हैं, एक्शन मेथड बनाते हैं और उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कंट्रोलर हमारा कौन सा है, होम है। और देन हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड बनाते हैं। तो मेथड क्या बनाएंगे, HTTP पोस्ट टाइप का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, HTTP पोस्ट टाइप का बनाएंगे। क्या होता है, HTTP वर्ब्स होता है बेसिकली। अब इस HTTP पोस्ट टाइप का जो मेथड बनाएंगे उसका हम बेसिकली क्या क्या लिखेंगे, बेसिकली इसके लिए हम यहाँ पर HTTP पोस्ट और देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पब्लिक, पब्लिक के बाद क्या लिखेंगे इंट। और अगर मैं कहूँ जी इंट की जगह पर मैं क्या करता हूँ, एडिशन का बनाता हूँ, तो मैं ऐड नाम का एक फंक्शन यहाँ बनाता हूँ और ऐड नाम पर हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू 1 और सेकंड में मैं क्या करता हूँ, इंटीजर वैल्यू 2 और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, रिटर्न कर लेता हूँ दोनों के सम को। बेसिकली तो इन दोनों के सम को मैं रिटर्न करने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, रिटर्न रिटर्न वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब ये क्या हुआ, जो कंट्रोलर के ऊपर हमने क्या लिख दिया, एक एक्शन को लिख दिया बेसिकली, एड नाम का मेरा एक्शन है। अब इसको मुझे क्या करना है, हिट करना है जेक्यूरी से। तो हिट करना है जेक्यूरी से तो हम व्यू के अंदर आ रहे हैं और व्यू के अंदर कहाँ पर आएंगे, इंडेक्स के ऊपर आएंगे और यहीं से हम क्या करते हैं, हिट करने की कोशिश करते हैं। तो हिट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपने पेज पर जेक्यूरी के लाइब्रेरी को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये कहाँ मिलेगा, बेसिकली आपको जेक्यूरी के साइट पर मिलेगा। तो आपको कहाँ जाना है, वेबसाइट खोलना है, गूगल में जाना है और गूगल में आपको लिखना है जेक्वेरी लाइब्रेरी, ठीक है। गूगल पे गए और देन हमको क्या लिखना है, जेक्वेरी लाइब्रेरी। और इस जेक्वेरी लाइब्रेरी को हम क्या करेंगे, यहां से डाउनलोड कर लेंगे या इसका CDN यूज कर लेंगे या हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो बेस सिंपल है, बेसिकली हम यहाँ से गूगल CDN यूज कर लेते हैं। तो जेक्वेरी लाइब्रेरी का ये हमको क्या मिल गया, बेसिकली हम यहाँ से जेक्वेरी मीन डॉट जेएस हमको चाहिए यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, या आप चाहो तो यहाँ से जेक्वेरी लाइब्रेरी को डाउनलोड करो और देन अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल दो इस लाइब्रेरी, ठीक है। इस लाइब्रेरी के ही हम यूज कर लेते हैं या इसको हम सेव करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल देंगे। अभी मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर देता हूँ, तो मैं इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ, नहीं तो मैं इसको डायरेक्टली पास कर लूँगा। अभी एक काम करते हैं जी, एक लाइब्रेरी हमारा क्या होगा, शेयर्ड वाले फोल्डर के लेआउट के अंदर ऑलरेडी एडेड है, बेसिकली लिब के अंदर, जेक्वेरी के अंदर, डीआईएसटी के अंदर, जेक्वेरी मीन डॉट जेएस। यहाँ आप www रूट फोल्डर के अंदर देखिएगा, जेएस के अंदर नहीं, यहाँ पर लिब के अंदर, जेक्वेरी के अंदर, यहाँ पर डीआईएसटी के अंदर क्या है हमारा, जेक्वेरी डॉट जेएस मीन डॉट जेएस हमारा पड़ा हुआ है। तो इसी को हम यूज करते हैं। अगर ये नहीं काम करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस लाइब्रेरी को यूज करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अपने पेज पर डाल देता हूँ और कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं यूज अभी नहीं कर रहा हूँ, जरूरत होगा तो करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। अब मुझे क्या करना है, उस वैल्यू को रीड करने के लिए क्या जेक्वेरी एजेक्स मेथड लिखनी है। उसको कैसे हम लिखते हैं,
तो उसको हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में मैसेज सिंटेक्स आपको दिखाया था, कुछ उसी टाइप से लिखेंगे। तो पेज पर लिखने के लिए हमको क्या लिखना होता है, यहाँ पर स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से बंद करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जेक्वेरी क्या जो मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, बेसिकली क्या होता है पेज लोड होते ही क्या होगा हमारा ये चीज लोड हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट 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 डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर फंक्शन फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना काम, ठीक है। तो ये हमारे का डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हमने तैयार कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना काम करूँगा। जैसे कि मुझे वैल्यू वन में क्या लेना था, जैसे वैल्यू वन में मैं 10 डाल देता हूँ, वैल्यू टू में 20 डाल देता हूँ। अब मुझे इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए, लेकिन ये 30 हमको जोड़ के कहाँ से देगा, कंट्रोलर साइड जाएगा, एक्शन को हिट करेगा, देन वहाँ से वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब कंट्रोलर साइड जाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, जेकेवी एजेक्स कॉल लिखनी होगी। अब जेकेवी एजेक्स हम कॉल कैसे लिखते हैं, जेकेवी एजेक्स कॉल लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डॉलर का साइन देंगे, ठीक है। उसके बाद डॉट लगाएंगे एजेक्स, और इस एजेक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन और ए वाला ब्रैकेट उसके बाद, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ इसके मेथड्स होते हैं, बेसिकली कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें इसके अंदर पास करने होगा। यहाँ पर आप देखिए क्या है, URL है, URL के बाद यहाँ पर हमारा क्या आएगा, URL और जे क्यूरी एनी, बेसिकली और भी चीज़ें होती है, जैसे URL हो गया, डाटा हो गया, डेटा टाइप हो गया, सक्सेस हो गया, एरर हो गया, ठीक है। तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, URL यहाँ पर पास करते हैं, URL। अब URL को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से कोलन देंगे, और कोलन देने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपने API का URL पास करेंगे। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, URL डॉट एक्शन, कौन से एक्शन को हिट करना है, इसे जाके एड एक्शन को हिट करना है हमारा, इस नाम से मैंने एक्शन बनाया था, फिर मैं यहाँ कोमा लगाता हूँ। अब यहाँ पर हमारा सेकंड क्या आ जाएगा, अब सेकंड में हम यहाँ पर क्या देंगे, सेकंड क्या होता है, ऑल सेटिंग्स आर ऑप्शनल, बेसिकली क्या होता है, सेट की क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा नीचे दिया हुआ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर डेट कॉन्फिगर द एजेक्स रिक्वेस्ट, ऑल सेटिंग आर ऑप्शनल और डिफॉल्ट कैन बी सेट एनी ऑप्शन विथ डॉलर एजेक्स सेट ऑफ बेसिक, सारा क्या होता है इसके बाद ऑप्शनल होता है बेसिकली। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, टाइप, अब टाइप हम यहाँ पर क्या देंगे, अब टाइप की बात कर रहे हैं तो टाइप में हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सेकंड पैरामीटर था टाइप, टाइप में हम क्या देते हैं, गेट पोस्ट पुट, हमारा मेथड क्या था, पोस्ट करते हैं, हम लिखेंगे पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट मेथड है। देन हमारा इसमें क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेटा, डेटा टाइप की बात करते हैं, डेटा टाइप क्या है, हमको किस टाइप फॉर्मेट में रिटर्न लेना है। अभी मैं डेटा टाइप नहीं कर रहा हूँ, अभी डेटा पास करूँगा जो डेटा मैंने यहाँ पर बनाया है। तो डेटा मेरा हमारा क्या था, ये भी की पेयर वैल्यू में होगा। अगर अब कीपर वैल्यू में जो ये डेटा है, बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पर जो नाम होगा कंट्रोलर पर वैल्यू का, जैसे वैल वन है तो यहाँ पर भी हमारा नाम क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए, वैल्यू वन। अब इसमें हम लगाएंगे कोलन, और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू वन को यहाँ पर इसको पास कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ वैल्यू वन, और इसको मैं कर देता हूँ वैल्यू टू, यहाँ क्या पास करूँगा, वैल्यू वन, इसलिए नाम मैं चेंज कर दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसी तरह से हमने क्या किया, वैल टू में किसको पास करेंगे, वैल्यू टू को पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू टू को पास करेंगे इसके अंदर, फिर कोमा लगाएंगे। अब इसका रिटर्न टाइप हम मुझे क्या चाहिए, तो डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर डेटा टाइप, किस टाइप का आपको डेटा रिटर्न चाहिए वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। अभी मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ जेसन भी हम लिख सकते हैं या और भी चीज़ें होती है जिसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी मैं यहाँ पर टाइप लिखता हूँ, और इसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पर सक्सेस। अब सक्सेस पर हमें क्या मिलेगा बेसिकली, तो सक्सेस पर हम क्या कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन यहाँ पर मैं डालूंगा, सक्सेस में क्या करूँगा, यहाँ फंक्शन डालूंगा, और इस फंक्शन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर रेस्पॉन्स मिलेगा उधर से,
जो हम मैसेज में रिटर्न कर रहे हैं वो हमको यहाँ रेस्पॉन्स में मिलेगा, और देन हमारा क्या होगा, हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ हमें क्या मिलेगा, ब्राउजर के कंसोल पर हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसको हम कहाँ प्रिंट कराएंगे, ब्राउजर के कंसोल पर प्रिंट कराएंगे। ये तो हमारा सक्सेस का हो गया। अगर इस कॉल के दौरान कोई एरर आता है तो उसको कहाँ हैंडल करेंगे, एरर सेक्शन के अंदर। तो एरर सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, उस एरर को हैंडल करेंगे। अब यहाँ मैं लिखूँगा फंक्शन, फिर से इसके कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ, और इस फंक्शन में हमें क्या मिलेगा, उधर से रिक्वेस्ट स्टेटस और एक और चीज़ मिलता है एरर। ये तीन चीज़ हमें यहाँ इसमें मिलेगा, और देन हमारा क्या होगा, ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें भी मैं मैसेज को ही प्रिंट कर देता हूँ, या एरर को चाहे तो आप एरर को प्रिंट, एरर को हम प्रिंट कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करता हूँ, एरर को इसमें प्रिंट कर देता हूँ। ये जो एरर है इसको मैं इसमें प्रिंट कर देता हूँ, इसको ब्रैकेट ओपन किया, एरर को डाला और इसको मैं इसमें प्रिंट कर दिया। अब कोई भी इस कॉल के दौरान अगर कोई भी इशू आएगा तो हमारा कहाँ प्रिंट होगा, एरर में प्रिंट होगा। और ये मेथड कब चलेगा, जैसे मेरा पेज लोड होगा तुरंत चलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पर है। बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हम किस लिए लिखते हैं, हमारा जेक्यूरी में जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन होता है वो पेज लोड होते के साथ चलता है। तो जैसे ही ये इंडेक्स पेज लोड होगा, ये होम के अंदर इंडेक्स पेज लोड होगा, तो हमारा क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। अब ये चलेगा तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लगा लेता हूँ, देख लेता हूँ ये मेरे एक्शन को ये हिट कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, जैसे जे अगर मुझे डिफ़ॉल्ट जो किसी भी पेज के रन करने का सेटिंग अगर चेंज करना है, तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आपको जाना है, और यहाँ पर ए पी पी मैट डॉट कंट्रोल राउट के अंदर जाना है। यहाँ सबसे पहले कौन सा कंट्रोल हमारा चलेगा, होम कंट्रोल चलेगा, और देन कौन से एक्शन को हिट करेगा, इंडेक्स को। और ये हमने किस पर बनाया है, इंडेक्स के ऊपर ही बनाया है मेथड। तो बेसिकली क्या हुआ जी, सबसे पहले यही कॉल होगा, इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं ये हमारा क्या है, एक कंट्रोलर बेसिकली जेक्यूरी एजेस हमारे कंट्रोलर के उस एक्शन को हिट कर रहा है या नहीं, वैल्यू लेके जा रहा है या नहीं। तो ये हमारा नहीं आया, बेसिकली कंसोल पर कुछ इशू आया होगा, जिसको हम देखते हैं जी इशू क्या है। तो कंसोल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर कंसोल पर जाइएगा। तो यहाँ पर आपको देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको डॉलर साइन नॉट डिफाइंड, बेसिकली क्या करें, जेक्यूरी हमारे लाइब्रेरी को यूज या रीड नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या करना होगा, हमारा अपना ये जेक्यूरी लाइब्रेरी को मैं डालता हूँ अपने जीएस फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या किया, जेक्यूरी मीन डॉट जीएस को उठाया यहाँ से, जो मैंने डेस्कटॉप पर सेव करके रखा था, इसको मुझे क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको डाल देना है। तो मैं कहाँ आता हूँ, यहाँ पर जेएस फोल्डर के अंदर आता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ लाइब्रेरी को। यहाँ आया और जेएस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया, और देन मैं क्या करता हूँ, इस लाइब्रेरी को अपने पेज से अटैच कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इसको खींचूँगा और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही क्या, ये लाइब्रेरी मेरा कॉल हो गया इस पेज के ऊपर। अब चलाते हैं, देखते हैं कि अब मेरे इस मेथड को हिट करता है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको फिर से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ये ऑटोमेटिक बिल्ड करेगा, और देन मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, रन होगा। आप देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एक्शन ये हिट होके आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं कर्सर ले जाऊँ तो यहाँ वैल्यू 10 दिखा रहा है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वैल्यू सेकेंड में वैल्यू जीरो क्या दिखा रहा है, इसमें जीरो दिखा रहा है, जबकि मैं इसमें 20 डाला था। तो एक बार मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर क्या लिखा हूँ, ओहो यहाँ पर जैसे वैल्यू 2 होगा, वैल्यू 2 मैं लिख दिया यहाँ पर, वैल्यू 2 होगा जिसमें क्या होगा, मुझे डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से मैं इसको F5 करता हूँ, और अब देखते हैं जो हमको वैल्यू वहाँ पर मिल रहा है या नहीं। यहाँ आप देखिएगा वैल्यू 2 में आपको क्या मिला, 20 मिला, और वैल्यू 1 में क्या मिला, 10 मिला। ये क्या वजह, बेसिकली हमारा एक्शन में कंट्रोलर के एक्शन पे क्या हो गया, हिट आ गया। अब मैं यहाँ से F11 करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू 1 और 2 को रिटर्न सम करेगा, और देन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा तो आपको कहाँ ये आउटपुट दिखेगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिएगा ब्राउजर के, और देन यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, कंसोल में जाना है। यहाँ देखिए दोनों को जोड़ के एज इट इज क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में 30
हमको आउटपुट में दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 30 मिल गया। अगर इसमें कुछ और भी जैसे आपको काम करना है, जैसे जी अगर बात करें जे यहाँ पर बेसिकली ये आप कुछ और काम करना है तो वो भी हम इसके इसके साथ करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा, ये क्या करेगा वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न कर देगा। अगर अब इस वैल्यू को अगर चाहें तो किसी डिव के अंदर भी अगर आपको शो कराना है तो आप करा सकते हैं। जैसे जब मैं इसके बाद मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, डिव ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी आईडी मैं दे देता हूँ ए। अब इस डिव के अंदर उस वैल्यू को शो करानी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये रेस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर कंसोल लॉग कंसोल में भी शो करना है और उस डिव में भी मेरा शो हो, तो उसके लिए हम क्या क्या लिखेंगे, अब उस डिव को रीड करना है देन उसमें क्या करना है वैल्यू को मुझे डालना है। तो डिव को रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप लगाइएगा डॉलर का साइन और देन ब्रैकेट ओपन और देन आपके करिएगा हैश डबल कोट देन आप हैश हैश में क्या करिएगा उसकी आईडी डाल दिएगा। उसके बाद क्या करना है डॉट, अब ये बेसिकली क्या है एक तरह का डिव है, तो डिव क्या है बेसिकली एचटीएमएल कंट्रोल होता है, तो हम क्या लिखेंगे डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अगर टेक्स्ट बॉक्स होता तो लिखते डॉट वीएएल उसकी वैल्यू। अब इसमें मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रेस्पॉन्स को यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं क्या करता हूँ रेस्पॉन्स को इसके अंदर पास कर देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा इस वैल्यू को क्या करेगा डिव में प्रिंट करके दे देगा। अगर मुझे इसकी साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, स्टाइल फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ इसको 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो क्या होगा उसका साइज 20 पिक्सल्स हो जाएगा, बेसिकली थोड़ा बड़ा दिखेगा। और कलर भी इसका मैं चेंज कर देता हूँ जो आपको दिख जाए, कलर इसका मैं कर देता हूँ रेड। रेड क्या होता है आई कैचिंग कलर होता है, तो ये मैं इसको क्या करता हूँ रेड करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्या होना चाहिए हमारा जो हमारा इसका मल्टीप्लाई आएगा वो कहाँ आना चाहिए हमारा उस डिव के अंदर भी आना चाहिए। देखिए 200 आ गया, बेसिकली हमने क्या किया था यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या किया था 10 इंटू 20, तो बेसिकली 20 इंटू 10 बेसिकली हमारा क्या हुआ 200, ये एज ए आउटपुट हमको ये दे दिया। तो ये हमारा एक्शन को हमने रीड कर लिया, ठीक है। तो इसमें हमारा आगे जो नेक्स्ट है इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हम और भी इसमें कुछ कुछ कर सकते हैं, तो कुछ कुछ और करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हम सारा काम करा सकते हैं एक ही मेथड के अंदर। और देन हम क्या करें एक मॉडल बनाएं और उसको मैं रिटर्न मार लूँ, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ जब हम दो वैल्यू भेजे और हर तरह का मुझे रिटर्न मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा एक मॉडल बना लेता हूँ पहले, ये हमको किस फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न लेना है, तो हमें क्या करते हैं एक मॉडल फोल्डर के अंदर मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। यहाँ मॉडल फोल्डर के अंदर आता हूँ मैं और एक मॉडल बना लेता हूँ मैं, यहाँ से ऐड पर क्लिक करूँगा, इसको पहले स्टॉप करता हूँ और देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक मॉडल बना लेता हूँ, यहाँ पर एड न्यू क्लास और इसका मॉडल का मैं दे देता हूँ कैलकुलेट या समथिंग कुछ ऐसे कर देता हूँ, कैलकुलेट इनपो कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, अब ये क्या हुआ कैलकुलेट इनफो मेरा ये आ गया। अब इसमें मुझे कुछ डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे जो पब्लिक इंट ऐड, ऐड क्या चाहिए यहाँ पर मैं पब्लिक इंट ऐड, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ सब्सट्रैक्ट का भी बना देता हूँ। तो इसको मैं कॉपी किया और इसको नाम को मैं इसे क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट हो गया, उसी तरह से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा हमारा और डिवाइड भी हो जाएगा, आपको जितना इसमें बनाना है आप बना सकते हैं। मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ जी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हमने इसके अंदर, और भी आपको कुछ कैलकुलेशन करना है तो वो भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। अब इस मॉडल को मैं क्या करूंगा रिटर्न करूंगा एज ए जेसन, अभी तक तो हमने क्या कर रहा था प्लेन टेक्स रिटर्न कर रहा था यहाँ से, अब मैं एज ए जेसन रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पर होम कंट्रोलर पे ही आता हूँ और देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक और HTTP पोस्ट मेथड बना लेता हूँ। तो एक और पोस्ट मेथड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर HTTP पोस्ट
और इसका जो हम रिटर्न टाइप देंगे वो हम देंगे, इसमें मुझे जेसन रिटर्न करना है तो एचटीटीपी पोस्ट है, और जेसन मेरा क्या है इस टाइप का बेसिकली कैलकुलेट टाइप का है, तो मैं इसको क्या करता हूँ मॉडल को ही रिटर्न मारता हूँ, इस कैलकुलेट मॉडल को रिटर्न मारूंगा और इसको मैं करता हूँ कैलकुलेट, मेथड का नाम कर देता हूँ कैलकुलेट, ठीक है। और इस कैलकुलेट को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट इनपो इक्वल टू न्यू कैलकुलेट इनपो, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न क्या करेंगे बेसिकली कैलकुलेट को, यहाँ से हम रिटर्न किसको करेंगे कैलकुलेट को। अब इसके बीच में मैं क्या करता हूँ इन दोनों वैल्यू से जो भी काम करना है सारा काम मैं कराता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर कैलकुलेट इन्फो डॉट एड, ठीक है, अब कैलकुलेट इन्फो डॉट एड में मुझे क्या करना है वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू, ठीक है, यही हमारा होगा। यहाँ पर वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू को मैं लिखता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ प्लस का साइन दे देता हूँ और ये वैल्यू टू हमारा हो गया। तो इसमें क्या हुआ जो एड वाले में हमारा क्या हुआ ये वैल्यू को हमने भर लिया। उसी तरह से हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट में क्या होता है, सब्सट्रैक्ट में क्या होता है माइनस करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट लिखूंगा और इस वैल्यू को घटा दूंगा, बेसिकली ए से बी को घटा लूंगा, ठीक है, और इसको बेसिकली माइनस कर लूँगा और मल्टीप्लाई में मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन दे देना है, डिवाइड में क्या करना है डिवाइड का साइन दे देना है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया मल्टीप्लाई और देन डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ साइन को चेंज करता हूँ, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया डिवाइड, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिखना है डिवाइड, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ सामने वैल्यू कैलकुलेट करेगा देने क्या करेगा रिटर्न मार देगा, ठीक है। अब रिटर्न मारने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर आते हैं इंडेक्स डॉट लेआउट पर और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अब मैं थोड़ा सा इस पेज पर चेंज मारता हूँ। बेसिकली हमने क्या किया था यहाँ से वैल्यू को सेट किया था, अगली बार मैं क्या करता हूँ एक और एजेक्स कॉल लगाता हूँ इसके बाद और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रीडी के अंदर एक और एजेक्स यहाँ पर लगाता हूँ। अगली बार हमारा मेथड क्या है कैलकुलेट मेथड है यहाँ से, तो मैं कैलकुलेट को यहाँ पर चेंज मारूंगा, बेसिकली क्या करूँगा यहाँ पर उस ऊपर वाले कॉपी किया हूँ एजेक्स डॉलर डॉट एजेक्स, अब इसमें URL में क्या करना है URL डॉट एक्शन में हम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट लिखेंगे। हमारा मेथड क्या है पोस्ट है, वैल्यू वन और टू ही हमारे पास, ये दो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब वैल्यू वन और टू है और अब की बार मैं क्या करता हूँ इस वैल्यू को थोड़ा सा अब की बार जैसे 10 और 20 लिया था इसकी बार अब की बार मैं करता हूँ 50 और इसको मैं करता हूँ 25 या इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें वैल्यू वन डेटा में हमारा क्या है वैल्यू वन और वैल्यू टू सेम हमारा यहाँ पर है एक्शन मेथड के ऊपर वैल्यू रीड करने के लिए और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ब्रेक लगा देता हूँ। अब इसकी आपकी पार मैं क्या करूँगा ये रिटर्न टाइप जो टेक्स्ट है इसको मैं लिख दूंगा जेसन, हमें किस में चाहिए जेसन में चाहिए, ठीक है। और देन हमारा कंसोल डॉट लॉग में हमारा क्या है यहाँ सक्सेस में क्या आएगा यही आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ वैल्यू को कंसोल पर ही रहने देता हूँ, बेसिकली कंसोल पर हम देखेंगे और देन कंसोल के हिसाब से फिर अपना पेज बनाएंगे उसके हिसाब से हम इसको डिस्प्ले भी कराएंगे, लेकिन अभी हम कंसोल पर देखेंगे हमें तो क्या ये जेसन में मिल रहा है या नहीं, ठीक है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और देन हम देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिल गई है। तो हमारा ये हुआ प्रोजेक्ट रन, हमारा क्या हुआ जो पहला मेथड आया दूसरा भी हमारा दूसरे कैलकुलेट पर आ गया वैल्यू लेके आया 50 और 10। अब मैं इसको F11 करूँ तो ये हमारा कहाँ जाएगा यहाँ आप देखेंगे कैलकुलेट पर आया ऐड में क्या किया वैल्यू को 60 कर दिया, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, 50 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 40 बचेगा। उसी तरह से मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा, क्यों क्योंकि पहले वैल्यू 50 × 10 इक्वल टू 500 होता है, अगर डिवाइड करूँगा तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 मिल रहा है और ये क्या करेगा हमको रिटर्न मारेगा जेसन में। तब मैं इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर रहा हूँ और देन मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें किस फॉर्मेट में डेटा मिले। देखिए ऑब्जेक्ट मिला, पहले में हमारा क्या हुआ जी 500 आ गया पहला एक्शन मेथड जो हमारा जेसन कॉल हुआ, सेकंड वाला में हमें क्या मिला जेसन रिटर्न टाइप के टेक्स्ट का था ये जेसन का था,
जैसन में हमको क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिल रहा है, ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट। आप देखिएगा यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है, ऐड में हमारा 60 आया था, डिवाइड में 5 आया था, मल्टीप्लाई में 500 आया था और सब्सट्रैक्ट में 14 आया था। तो ये हमारा क्या हुआ जी, ये जेसन हमको रिटर्न ये मिल गया। अब कहिएगा जी ये कंसोल पर जो दिख रहा है मुझे टेबुलर फॉर्म में दिख जाए तो वो भी हम कर देते हैं। चलिए इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमको एक्शन इसके ऊपर आना होगा और देन मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल लेना होगा। टेबल ले लेते हैं या डीवी ले लेते हैं, रो कॉलम कॉम्बिनेशन या टेबल ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टेबल लेता हूँ। ठीक है, और इस टेबल में मैं क्या करता हूँ, क्लास टेबल को कॉल कर लेते हैं। कहाँ से आपको मिलेगा, बूटस्ट्रैप के क्लास होता है। ठीक है, अब देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर TR और TR के अंदर हमारा क्या होता है TD। TD हम कितना दे रहे हैं, दो 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 ले लेता हूँ बेसिकली, बेसिकली एक रो और दो कॉलम। अब मैं इसमें मैं पहले वाले क्या करता हूँ ऐड, और इसकी ID मैं कर देता हूँ, इसकी भी तो ID देनी पड़ेगी मुझे। तो इसकी ID मैं यहाँ पर ID क्या करता हूँ ऐड वैल्यू कर देता हूँ। उसी तरह से अब मुझे कितना करना है, चार टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यहाँ पर 2 3 4। ठीक है, ऐड के बाद हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट और देन हमारा क्या है, मल्टीप्लाई, इसके बाद हमारा क्या है डिवाइड। ठीक है, अब इसकी आईडी भी बदलना होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा DIVID डिवाइड, इसको लिखूंगा मल्टीप्लाई और इसको लिखूंगा सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब इन चारों में मुझे वैल्यू डालनी है, तो चारों में वैल्यू डालने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बेसिकली इसकी आईडी को पास करूंगा और यहाँ पर वैल्यू ऐड के वैल्यू के लिए रीड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर फिर वही डॉलर का साइन। ठीक है, देन ब्रैकेट ओपन डबल कोट और हैश और ये वैल्यू, और देन क्या कर लिखूंगा .html और .html में मुझे क्या पास करनी है, यहाँ पर response.add हमको किस में मिला था, ऐड में मिल रहा है ना, यहाँ पर आप देखिएगा response.add लग रहा है, मैं बंद कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको response.add ऐड में था, उसी तरह से सब्सट्रैक्ट के लिए सब्सट्रैक्ट में होगा, जो हमारा बेसिकली JQuery से डेटा रीड करने के जो था हमारा। इस तरह से मैं इसको डाल देता हूँ, देन मैं क्या करता हूँ ऐड हो गया, सब्सट्रैक्ट की आईडी पास कर देता हूँ यहाँ पर, देन मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इन दोनों की आईडी पास कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा इसमें वैल्यू को अपडेट मार दूँगा। अब इसके बाद हमारा जो मॉडल में नाम है वही आएगा, बेसिकली क्या होता है जो रिटर्न मारता है हमारा .NET 8 में उस क्या होता है टेक्स का लेटर क्या होता है स्मॉल हो जाता है। तो ये ऐड हो गया, देन हमारा नेक्स्ट क्या है सब्सट्रैक्ट है, तो रेस्पॉन्स डॉट सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट का एस क्या होगा छोटा हो जाएगा, देन नेक्स्ट हमारा क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हमारा क्या होगा एम छोटा हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो जाएगा एम छोटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं कहूँ डिवाइड, तो डिवाइड में मेरा क्या हो जाएगा डी छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ डिवाइड का डी छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, अब मुझे क्या मानना चाहिए, उस टेबल के अंदर वैल्यू मिलनी चाहिए, तो टेबल के अंदर वैल्यू मिलनी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसको F5 करता हूँ और देन मैं इसे क्या करता हूँ देखता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा आपको मिल गया, ऐड में कितना आया यहाँ पर 60, सब्सट्रैक्ट में 40, मल्टीप्लाई और डिवाइड का थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं गड़बड़ क्यों आ रहा है। तो हम यहाँ से करते हैं इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट पर जाते हैं कंसोल पर और ऑब्जेक्ट पर आते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का हमारा जो स्पेलिंग है वो मल्टीप्लाई का मैं डालूँगा यहाँ पर। अगर रेस्पॉन्स में बात करूँ तो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट मल्टीप्लाई और रेस्पॉन्स डॉट डिवाइड। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट डिवाइड। अब यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई वैल्यू दोनों में बेसिकली क्या आई डी सेम है, शायद इसकी वजह से आया था इशू। अब ये डिवाइड वाले को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, अब फिर से इसको मैं रन करके देखता हूँ अब वैल्यू मुझे क्या मिल रही है इसकी। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ,
और देन मैं इसको चेक करता हूँ कि अब क्या वैल्यू मिल रही है मुझे। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या ऐड में मुझे 60 मिला, सब्सट्रैक्ट में 40 मिला, मल्टीप्लाई में 500 मिला, डिवाइड में 5 मिला। ये तो हमारा क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट और रेडी पर काम हो रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये काम, ये वैल्यू जो मैं पास कर रहा हूँ वहाँ से हार्ड कोडेड, मैं चाह रहा हूँ जो किसी टेक्स्ट बॉक्स से पास करूँ और बटन क्लिक पर हमें क्या हुआ, उसके रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जी, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ इस पेज के ऊपर और देन उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके आगे का हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप, टाइप में हम क्या लेंगे यहाँ पर टेक्स्ट, और इसकी टाइप में भी टेक्स्ट लेंगे, इसकी आईडी में डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, आईडी में यहाँ पर क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, आईडी में दे देता हूँ इसका वैल्यू txt वैल्यू 1। ठीक है, इसको बंद करता हूँ। सेकंड में मैं क्या करता हूँ, txt वैल्यू 2। एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ डालता हूँ, txt वैल्यू 2। ये दो टेक्स्ट बॉक्स हैं हमारे, दोनों की वैल्यू मुझे चाहिए। और यहाँ पर मैं डालता हूँ एक बटन, बेसिकली क्या हो जाए, बटन पर इनपुट टाइप बटन, और इस बटन के ऑन क्लिक पर मुझे क्या मिलना चाहिए, वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ऑन क्लिक पर क्या होना चाहिए, वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो फंक्शन बना देता हूँ कैलकुलेट का। ठीक है, कैलकुलेट का एक फंक्शन बना देता हूँ और इस फंक्शन को मुझे यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करूँगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट और ट्रेडी के बाहर क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन डिफाइन किया कैलकुलेट, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इन दो, ये जो हमारा एक कोड था, ये नीचे वाला, इसको मैं उठा के इस वाले में डाल देता हूँ बेसिकली। ये मुझे बटन क्लिक पर चलाना है, पेज लोड पर नहीं चलाना है, पेज लोड पर मेरा जो चल रहा है वही चलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या किस पर चलना चाहिए, बटन क्लिक पर ये चलना चाहिए। तो ये हमारा बटन क्लिक पर चलेगा, ये फंक्शन है हमारा, ये किस पर चलना चाहिए, बटन क्लिक पर। अब ये वैल्यू मुझे रीड करनी है टेक्स्ट बॉक्स से, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की आईडी पास करनी होगी। यहाँ पर डॉलर लगाऊंगा, डबल कोट के अंदर हैश और टेक्स्ट बॉक्स की आईडी। टेक्स्ट बॉक्स की हमारा आईडी क्या है, टेक्स्ट txt वैल्यू 1 पहला वाला का है और txt वैल्यू 2 सेकंड वाले का है। तो मैं यहाँ पर txt वैल्यू 1 डॉट वैल्यू करूँगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और क्लोज। उसी तरह से सेकंड वाले का वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, txt वैल्यू 2 और वैल्यू को रीड कर लूँगा। तो ये क्या हुआ, जो हमारा वैल्यू को रीड कर लिया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं जब बटन क्लिक करूं तो मेरा क्या हुआ, ये कैलकुलेट करके दिखाना चाहिए। तो मैं इसको प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूं और फिर से रन करता हूं और देन हम चेक करते हैं जहां हमें वैल्यू मिल रही है या नहीं। ये क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट मेरा रन हो गया, नीचे वाला में अभी हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ बटन का टेक्स्ट भी अभी कुछ नहीं है, जो अभी डाल देंगे हम। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 20 और यहाँ पर करता हूँ 10। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो मुझे इस आउटपुट मिलनी चाहिए। मैं यहाँ से ब्रेक हटाता हूँ और F5 करता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा, आप 10 200 और 2 मिला, और ऐड में मुझे शायद कुछ इशू है, इसलिए नहीं, ऐड का बेसिकली क्या है, 30 यहाँ दिख रहा है। देखिए आपको बेसिकली ये TRTD का थोड़ा सा इशू है, डिव का इशू है। तो एक काम करते हैं, मैं इस थोड़ा सा डिज़ाइन को और सही करता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, TRTD में कुछ इशू है जिसकी वजह से वो बाहर जा रहा है, तो बाहर नहीं जान, अच्छा ये जो क्या है, जो आईडी का इशू है बेसिकली। यहाँ आईडी हमारा दोनों सेम हो गया है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं अब क्या करता है बेसिकली। तो यहाँ से प्रोजेक्ट को फिर से मैं रन करता हूँ और देन हम देखते हैं जी हमारा इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। ठीक है, तो मैं F5 किया, अब ये हमारे का प्रोजेक्ट रन होके आ गया। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट में डालता हूँ 100 और इसमें डालता हूँ मैं 90।
अब मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आया बेसिकली, आप देखिए 190 कितना आता, 190 डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 9000 मिलेगा, और डिवाइड करूँगा तो 1 मिलेगा। तो ये क्या वजह, इस बटन क्लिक के ऊपर हमारा सारा काम हो रहा है बेसिकली। अब जैसे जी ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, आप चाहें तो ड्रॉप डाउन से भी वैल्यू को रीड कर सकते हैं, या किसी भी कंट्रोल से आप वैल्यू को रीड कर सकते हैं। बस आपको क्या करनी होगी, यहाँ पर जो हम ये जो आईडी है बेसिकली, यहाँ पर हमको ड्रॉप डाउन की आईडी पास करेंगे और हमें क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो एक ड्रॉप डाउन वाला, ड्रॉप डाउन का भी मैं इसमें एग्जांपल में यहाँ पर एक डाल देता हूँ, बेसिकली एक ड्रॉप डाउन भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, या आप लोगों को ये पता हो जाए ड्रॉप डाउन से भी वैल्यू कैसे उठाए, क्योंकि बहुत कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था जी ड्रॉप डाउन से वैल्यू को हम एक्शन मेथड पर कैसे लेके आऊँगा। तो ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स होता है बेसिकली, सेलेक्ट, और सेलेक्ट में हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होता है, ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा 20, और यहाँ पर वैल्यू होता है, और देन मैं यहाँ पर इसको 20 कर देता हूँ। उसी तरह से इसकी हम आईडी दे देंगे, इसका क्या देते हैं, DDL वैल्यू 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसे 20 है, उसे 30 भी होगा, 40 भी होगा, आगे इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं एग्जांपल के तौर पे वैल्यू को रीड कैसे करेंगे बस ये मैं दिखा देता हूँ, बाकी आगे हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। हम ड्रॉप डाउन को डायनेमिक कैसे बाइंड करेंगे, ड्रॉप डाउन में जैसे जैसे स्टेट, सिटी, कंट्री अगर बाइंड करना है, उसकी वैल्यू को रीड करना है तो कैसे करेंगे, इस पर हम आगे काम करेंगे। लेकिन अभी अभी के लिए मैं क्या करता हूँ जी, इस 3 वाले का वैल्यू को उठाना है, बेसिकली DDL 3 वाले के वैल्यू को उठाना है मुझे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू 2 के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको DDL 3 को पास कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से रन करता हूँ, मुझे क्या मिलनी चाहिए, 3 वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मैं फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी डालूंगा, और ड्रॉप डाउन में मेरा क्या होगा, अब जैसे जी यहाँ पर फर्स्ट वाला में मैं डाला 100, और DDL में मेरे पास क्या है, 20 है, ठीक है। अब 100 को 20 से अगर मैं कैसे कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, ऐड करूँगा तो 120 हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा बेसिकली 100 में से 20 माइनस करूँगा तो 80 बचेगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 2000 होगा, डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा। तो ये क्या होता है, ड्रॉप डाउन की वैल्यू को भी हम कुछ इस तरह से रीड कर सकते हैं jQuery के थ्रू, बेसिकली jQuery AJAX मेथड के थ्रू। तो ये जो हमारा था बेसिकली आज का जो मेन लेक्चर जो था, ये बेसिकली जो था वो था सिंपली ये हमें अपने वैल्यू को बेसिकली AJAX मेथड कॉल के थ्रू एक्शन मेथड को हिट कैसे करेंगे और वैल्यू को वहाँ ले के कैसे जाएंगे। तो जो आज का हमारा क्लास था वो बेसिकली इसी के ऊपर था, ये हाउ टू यूज jQuery AJAX मेथड टू कॉल एन एक्शन मेथड इन ASP.NET कोर 8 पे बेसिकली। अगर और भी आप जैसे AJAX मेथड यूज करके क्या कर के आपने क्या किया था, एक्शन मेथड को कॉल किया था कंट्रोलर के, वैल्यू को पास किए थे हमने, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स बेसिकली गेट रेस्पॉन्स फ्रॉम द एक्शन मेथड एंड शो व्यू, बेसिकली हमने क्या किया, रेस्पॉन्स मिला उसको हमने क्या किया, व्यू के ऊपर शो कराया। ऑल द दिस हैपन्स इन द, ये जितना भी हमारा काम हुआ बिना पोस्ट बैक हुए हुआ, जैसे जब मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरा पेज पोस्ट बैक नहीं हो रहा है। अब देखिएगा जैसे जे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसमें कोई वैल्यू डाल के, तो क्या हो रहा है, मेरा पेज पोस्ट बैक नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है। कोई वैल्यू मैं चेंज करके जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो उस क्या हो रहा है, पेज मेरा पोस्ट बैक नहीं हो रहा, लेकिन हमको डेटा मिल रहा है। तो ये हमारा क्या था, AJAX कॉल होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने एक्शन को हिट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे ये हम इस वैल्यू को डेटाबेस में कैसे सेव करेंगे या डेटाबेस से रीड कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर पहले डेटाबेस का कनेक्शन बनाना होगा, एक टेबल बनानी होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू गेट पुश पुट डिलीट का काम करेंगे। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले डेटाबेस का कनेक्शन की सेटिंग के बारे में बात करेंगे।